यार गाइस, जिन ना बाहर था काम कर रहा था, इसका ना पाउन जो है वो जाली पे लगा और इसका नाखून जो है वो अंदर तक कट गया। लड़का बड़ा अफसरदा है फिलहाल, लेकिन फिर भी कह रहा है कि मर्द को दर्द नहीं होता। मर्द को दर्द नहीं होता, क्या बात है मर्द की। अभी मर्द को हम डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं। गजब टूबी वाला आदमी, पट्टी पुट्टी कराएंगे। जिन कुछ नहीं होता, एक नाखून है यार। मर्द बन जिन, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। ओए अगर जाली आ गई थी जिगल करना था ना, जिगल नहीं किया तुमने। थोड़ा जिगल जिगल करता है, थोड़ा सा 1v4 कर देता, जिगल बिगल करता कुछ ना कुछ। चल इसको लेके चल अपने पास। उठ शेर, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। खून तेरे निकल रहा, दर्द मुझे हो रहा है, तो उससे मेरा क्या फायदा। खून जम गया, बंद हो गया। ये पतला, ये पतला कैसे होगा। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले, मैं के की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं यार टीके वीके लगवाए हैं, ठीक है, टेटनस का और ये टिकलो खून शून लगा हुआ है, और जो उन्होंने पट्टी की है बहुत जोर से बांधा है, तो अब मुझे पहले से ज़्यादा दर्द हो रहा है। इधर एक टीका लगा है, एक नहीं दो लगे हैं, एक टेटनस का और एक टिकलो, तो मेरी बाजू जो ना हिल ही नहीं रही। मैं सच कह रहा हूँ यार, ये बस इतनी मूवमेंट है। अच्छा, अटक गई है बस, हवा निकल गई। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। बाजू सही हो गया अभी? बाजू यार अभी थोड़ा जोर लग रहा है ना, जोर थोड़ा तो दर्द हो रही है, मूव नहीं हो रहा सही से। हो जाएगा ना। टीटी का टीका लगा है अभी। अच्छा, टीटी का टेटनस का होए, और टीटी लिखा हुआ था टेटनस ही होगा ना। टेटनस ही, जी टेटनस। और हुई भी मिडल फिंगर है इसकी भी, मिडल और इसकी भी मिडल। आज भी मुझे बता रहे थे कि ना मैं अभी बहुत सारे काम करूंगा, ग्रीन स्क्रीन लगानी है और बेल लगानी है बाहर। हर दे हो जाएगा आज, अगर ना हुआ तू कर दे। इजी ये तो गलत बात है। आज भी दुनिया के सारे काम कर देंगे अगर उनकी वाट ना लेंगे। हाँ, कुछ पूछा मैंने कुछ। तो यार ये मैंने नाखून काट लिए हैं, उस पाँव के भी काट लिए हैं। मुझे पता है कि बहुत ही दिखने में गंदे लग रहे हैं और मैंने बड़े बुरे तरीके से काटे हैं, लेकिन यार मैं लड़का हूँ सही है, मैं कोई मैनीक्योर पेडीक्योर तो करने नहीं वाला, ठीक है ना। ताकि मेरे खूबसूरत खूबसूरत पाँव की उंगलियाँ हों, तो हम लड़के तो ऐसे ही होते हैं यार, गंदे मंदे से, और समझ रहे हो क्यों लड़को। आहा, तो इन भाई ग्रेट ओपनिंग होने लगी है। मैं करूँ? नहीं यार, कुछ कर लेट ओपनिंग किसी हिस्से को नाजुक कैसे कह सकते हो? मजबूत मर्द मैं कर दूंगा। थोड़ा तेजी से करो यार, ये तो असल में इसने ना वापस उस लड़की डॉक्टर ने ये बात जाना है, इसलिए ये दोबारा से पट्टी उतार रहा है, दोबारा से जाके पट्टी कर रहा है। लड़के ने पट्टी की थी बाबा ना, देखा अंदर की बातें बाहर निकल रही है, दुख हुआ इसको, बाबे ने पट्टी की। कोई ऐसे नहीं है कि बात बोला था कि
उसने मुझे एक दिन का बोला था कि जाके उतार, मैंने कल भी नहीं उतारा। पानी से बचाना है इसको, पानी लगेगा चोट, चोट खराब होगी। अच्छा जी, हाँ पानी से बचा ले। उसने बोला था कि आप ऐसे छोड़ देना, नहीं तो आप दोबारा पट्टी करवा दो। बस साफ साफ रख, आइडी लगा लो, गंद ना लगने दे उसको, पानी ना लगने दे। सही हो जाएगा। फजूल में इतना लंबा कर रहे हैं, अभी इधर दिखाओ, मैं करके आ रहा हूँ। पता है मैंने स्कूल जब एक बार चीज छुट्टी टाइम हम लोग बाहर जाके खाते थे, अंदर ना कैंटीन बंद की हुई थी, उन्होंने मैं दीवार के ऊपर चढ़ा दोस्तों के साथ ना, वो गवर्नमेंट स्कूल था उधर, मुझे दोस्त ऐसे ही मिल गए, एक साल में गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा था, तो उन्होंने ना मुझे आदत लगा दी ना बाहर जाए खाने की। हम जाते थे आलू वाला पराठा खाने, हम ऊपर चढ़े ना, पीछे से बच्चे ने आवाज़ लगाई और पीटी आया, पीटी आया, हम भागे, मेरा पाँव स्लिप हुआ, ताजी ताजी दीवार बनी थी और गेट के ऊपर वो लगे होते ना तीर वाले निशान, मैं उनके ऊपर गिरा था, मेरी चेस्ट पे निशान है, मेरे ये हाथ पे यहाँ से घुसा था वो और यहाँ तक आया था, यहाँ वो शर्ट का कॉलर होता है, कॉलर कपड़े फट गए थे, कॉलर में अटक गया था ऐसे करके, और मैं ऐसे एक हाथ से लटका हुआ था उसके ऊपर, गिर के साइड पर गिरा था, और फिर मैंने झटके मार के कॉलर फाड़ा अपना, फिर दरवाजे से दूसरी तरफ बाहर गया और जाके चोट देख रहा था, फिर वहाँ पे डंडा लेके पीटी बाहर आया, फिर मैं और मेरा दोस्त भाग गए थे वहाँ से, तो मतलब इतनी चोट लगी थी तब भी हम अपनी जान बचा के आराम से भाग रहे थे। तू पट्टी लगी हुई है भाई, खुल रहा है आप पीटी ने पकड़ा नहीं, उनको पता नहीं लगा, बहुत नाजुक सूरत-ए-हाल है, 50 बच्चे होते हैं, 50 में से एक गायब होगा, किसको क्या पता चलता है, कुछ भी नहीं। अमीन भाई वो ड्रामे कर रहा है यार, ये मुझे कुछ भी नहीं था यार, इतना शोर कर रहा था जी नहीं है, नाखून उतरा था, मर गया, लुट गया, चीखे मार रहा है, देखो आज इसकी रियो वाली आवाज ही निकली, असली आवाज निकली। ये रहे नाखून की ये हालत है, ये पायोडीन है, थोड़ा खून भी जमा हुआ साइड्स पे ना, बट ये मेरे से जुड़ गया क्योंकि ब्लैक नहीं हुआ, उसने बोला था अगर ब्लैक हो जाए तो यानी कि काम तमाम है ना, फिर आपको निकलवाना पड़ेगा, उस लाश से निकाल तू जाए कहीं, यार मुझे नया चाहिए, खींच दो, अभी इतना अच्छा तो है मेरा नाखून, बस नहीं रहेंगे, ब्रांड न्यू, काफी दर्द रहेगी इसको, मैं पट्टी छट्टी दोबारा कर लूंगा, इसमें शॉपर बांध दूंगा, अभी हमने स्विमिंग पूल में नहाना है ना, शॉपर यार। अभी जो मैं अपडेट आपको देता हूँ कि मेरा अब नाखून कैसा है, तो मेरा नाखून जो है ना वो बहुत बेहतर है, ठीक है, ये वाला पाँव मैंने बहुत देर से नहीं, इसको मैंने पानी में नहीं टच किया, देखो ये खुद ही नीचे नहीं जा रहा, इसको मुझे उंगली से करना पड़ा, क्योंकि मैं चल रहा था ना तो मैं ये चीज़ ऊपर रख के चल रहा था, तो अभी पाँव जो है ना वो जो पाँव की फिंगर है वो ठीक है, बहुत बेहतर हो गई है अब, यानी ये अब यू नो ख़तरे से बाहर आ चुके हैं, मेरा नाखून जो है बच गया था, मैंने आपको बताया था, मैं डॉक्टर के पास गया था तो उसने बोला था कि कुछ दिन वेट करो, आपको खुद ही नज़र आ जाएगा कि ये ब्लैक हो जाता है या बेजान हो जाता है ना, तो आपको पता लग जाएगा, आप मेरे पास आना, इसको हम निकाल देंगे। तो मैंने ना आपको बोला था कि भाई आप लोग ना नेक्स्ट वीडियो में ना मैं आप लोगों को एक चीज़ बोलता हूँ कि आप लोग ना अपनी लाइफ के फ़नी फ़नी शॉर्ट जो किस्से होते हैं ना, छोटे छोटे किस्से बहुत फ़नी से, आप लोग कमेंट सेक्शन में वो लिखना, तो मैं आपके नाम के साथ वो आपके किस्से जो है ना वो नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह मैं पढ़ के आप लोगों को और सबको सुनाऊँगा।
मुझे पता है बहुत फनी होने वाला है क्योंकि सबके अलग अलग लाइफ है और सबके अलग अलग किस्से होते हैं, तो वो बड़ा फनी लगेगा मुझे लगता है। तो आप लोग जरूर 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 लिखना कमेंट सेक्शन में। बाकी यार अगर आप लोग चाहते हो ना कि आप जानवर देखो, आप मैंने आप कुछ कमेंट्स पढ़े हैं वो बोल रहे हैं कि भाई अगर आप जानवरों की देखभाल करते हो तो जानवर भी दिखाया करो, आप मुबीन भाई के व्लॉग्स में जानवर जाके देख सकते हो। तो मैं चाहता हूँ कि आप उनके व्लॉग में देखो, मेरे व्लॉग में आपको एंटरटेनमेंट मिलेगी, घर का मैं सामान दिखा सकता हूँ। मेरा व्लॉग मैं चाहता हूँ थोड़ा डिफरेंट हो, नहीं तो फिर सबकी सेम चीज होगी, सब जानवर दिखा रहे होंगे, फिर सबके व्लॉग सेम होंगे तो बोरिंग लगेगा। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा और मुबीन भाई का और साइरन का, हम यही हमारी कोशिश होती है कि हम एक चीज ना दिखाएं, सब का अलग अलग कंटेंट हो, अलग अलग चीजें दिखा रहे हो, अलग अलग तरीके से बोल रहे हैं, सब कुछ डिफरेंट हो। इसके अलावा आप लोगों ने एक और चीज नोटिस की होगी कि मैंने जो है ना वो दोबारा ट्रैक सूट पहन लिए। हाँ, धुल के आ गया तो मैंने कहा चलो पहन लेते हैं, दोबारा गंदा करके उतार के दूसरे कपड़े पहन लूंगा। तो बाकी जो लोग हैं ना जो ट्रैक सूट को बुरा बुरा बोल रहे थे, यार देखो ट्रैक सूट तो अपना ट्रैक सूट है प्यारा, समझ रहे हो। तो यार बाकी इसी के साथ वीडियो को करते हैं एंड, नेक्स्ट व्लॉग मैं स्टार्ट करूंगा जल्दी से आएगा। और बाकी आप लोग जो मैंने कमेंट सेक्शन का बोला है कि आप लोग उसके अंदर जरूर चीजें बताना आपने किससे जो फनी फनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइक सब्सक्राइब शेयर बहुत ज्यादा करो। मुझे पता है कि आप लोग वीडियो देखते हो और लाइक नहीं करते, तो लाइक कर दो यार, ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दो। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड अस्सलाम वालेकुम स्किनी गैंग।